नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं आपके इंडिया टेक में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में मल्टी स्क्रीन का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये जानना है कि ये आप कैसे करेंगे, तो ये मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। मैं पूरा आपको बताऊंगा ऐप का नाम क्या है और आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है, इस वीडियो को लाइक और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग अपने फोन की तरफ आ गए हैं। हम जाएंगे प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है फ्लोटिंग ऐप करके टाइप करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको 4.0 इसको मिली है रेटिंग मिली है और इसको 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो ये ऐप काफ़ी आप लोग के लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आपके पास सैमसंग गलेक्सी नोट सीरीज़ के हाई एंड फ़ोन नहीं है जिसपे आप मल्टी टास्किंग आप कर सकते हैं, मतलब एक स्क्रीन में आप यूट्यूब भी चला सकते हैं, कोई गूगल क्रोम भी खोल सकते हैं और उस पर आप व्हाट्सएप भी खोल सकते हैं, तो आप ये सब काम इस ऐप की सहायता से आप एक सिंपल से एंड्रॉयड फ़ोन में आप कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको फिर यहाँ से जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, और फिर यहाँ से आपको क्लोज कर दें। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एक आइकन आ रहा है ऊपर, ये देखिए, ठीक है, जो मैं हाथ में हाथ से हिला रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको इस विंडो में यूट्यूब पहले खोलना है, तो मैं यहाँ से इस पर करता हूँ, क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से यूट्यूब खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो मेरा YouTube का पेज है ये यहाँ से खुल गया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा मेरा नेट इतने अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार इसको दोबारा करता हूँ, रीलोड करता हूँ। अभी जो मेरा नेट है वो इतना स्पीड नहीं दे रहा है, तो इसलिए मेरा YouTube ओपन नहीं हो पा रहा। तो आप इसको क्या क्या अपने हाथ की सहायता से आप इसको जहाँ भी आपको रखना आप रख सकते हैं। और हम इसमें एक ऐप और खोल लेते हैं, जैसे मैं इसमें एक कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ये है कैलकुलेटर, ठीक है। इसको आप यहाँ पे साइड में रख दीजिए और इसमें जो आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैं आपको एक ऐप और खोल के दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं ब्राउज़र खोल लिया, ठीक है, ये देखिए, ये खोल लिया, ब्राउज़र खोल लिया और हिंदी टेक वर्ल्ड यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हमारा सर्च हो जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं जो हमने ये खोला था, YouTube खोला था, ये हमारा YouTube ओपन हो गया है। तो इसमें आप जो आपको सर्च करना है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसमें आप प्ले भी होता है, मैं आपको प्ले करके एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक साथ आप 3-4 काम करना चाहते हैं, कि आपको चैटिंग भी करनी है, आपको यूट्यूब भी प्ले करना है और आपको कोई ब्राउजिंग भी करनी है, तो ये सब पूरे काम एक साथ आप एक ही स्क्रीन में एक सिंपल से फ़ोन में आप कर सकते हैं। बस आपका भी फ़ोन एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए। ये देखिए, ये अभी हो रहा लोडिंग हो रही है, मेरे थोड़ा नेट की स्पीड इतनी नहीं है तो इसलिए थोड़ा इसको लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। तो फिर ऐसे ही आप अपने फ़ोन में मल्टी स्क्रीन आप एक साथ खोल के आप इसमें काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा तो मेरी इस वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्दी लौटूंगा इससे भी अच्छी वीडियो और इसी भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।